मेरा दुर्बल शरीर को ईश्वर अपनाया, सबसे मुझे छुटकारा मिल गया, सबसे मुझे उद्धार हुआ है। क्या आप ये विश्वास करेगा? व्यक्तिगत रीति से हम लोगों के अंदर बहुत सारा बुरे वासनाएं हैं, बहुत सारा बुरे वासनाएं हैं। हम बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं जाता है। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारा कोशिश के द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास द्वारा। तुम किस में विश्वास करना चाहिए? जो एक ईश्वर इंसान बनकर तुम्हारा पापमय अवस्था को उनका शरीर पर लेकर उसको क्रूस पर ठोका, क्रूस पर मराया और दफनाया। तो हमारा उस पापमय अवस्था को क्रूस पर मार दिया और दफनाया, वो मर गया। क्या मर गया? हमारा पापमय अवस्था, प्रभु पापमय अवस्था को प्रभु लेकर उसको मार गया। अभी वो प्रभु क्या करेगा? हमारे हमें नया जीवन देने के लिए उन्होंने जी उठा। अभी हमारे अंदर प्रभु निवास करता है। कौन सा प्रभु है? जी उड़ा हुआ प्रभु है। तो एक दिन एक हिंदू पुजारी मेरे पास बात किया था। वो बोला, देखो भाई थॉमस, आप लोग ये बोलता है कि सब लोग प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करना चाहिए और आप लोग भारत में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3% लोग हैं। ईश्वर तो एक ही है, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सबों का ईश्वर एक ही ईश्वर है। लेकिन आपका बोलने का मतलब क्या है? आपका ईसा मसीह में विश्वास होना चाहिए। सब धर्म के लोग, सब धर्म बनाया हुआ लोगों का पीछे बहुत सारा लोग है। क्या आपका ईसा मसीह में कितना प्रत्येक क्या है? सब धर्म में ईश्वर है। मैं बोला मैं समझाऊंगा, तो थोड़ा सा 5 मिनट ही समय है, वो भी चले जाएगा, मैं भी चले जाएगा, तो जल्दी से बोलना चाहिए। मैं बोला देखो, प्रभु ईसा मसीह ने कहा, देखो मुझे समय आ गया है, तुरंत जेरूसलेम जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लोग मेरा इंतजार करता है। किसके लिए इंतजार करता है? मुझे दुख भोग और सहन करना कराने के लिए और मार डालने के लिए। तो ये कहीं भोपाल इंदौर का जगह पर था। तो मैंने उनसे पूछा, आप अगर इंदौर से भोपाल जाने वाला है, इंदौर के द्वारा भोपाल जाने वाला है, और आपको मालूम पड़ा वहां पर आपको मारने के लिए लोग खड़ा है, तो आप वैसे जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं 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 जाएगा। आप जाएगा क्या? रास्ता में कोई आपको मार डालने के लिए खड़ा है तो आपको वो खबर है तो आप जाएगा क्या? नहीं जाएगा। लेकिन हमारा प्रभु ने क्या कहा? मुझे समय आ गया है जाने का, क्योंकि वहां पर लोग मुझे मार डालने के लिए, पकड़ने के लिए देख के खड़ा है। मुझे जाना पड़ेगा और उन लोग मुझे पकड़वाएगा, वो लोग मुझे मार डालेगा और दफनाएगा, लेकिन तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। तब एक पुजारी ने कहा, अच्छा उसको मालूम था क्या? उसको मालूम था उनको मार डालूंगा, उनको मालूम था वो जी उठेगा। सचमुच मालूम था। इसलिए हमेशा बोलता था, भविष्यवाणी देता था। इसलिए हम विश्वास मंत्र में लिखा है, जैसे कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, वो जी उड़ा। उसका जी उड़ना ऐसा अचानक हुआ ऐसा नहीं,
वो स्वयं बोलता था, वो लोग मुझे मार डालूंगा, मैं आप लोगों के लिए मेरा जीवन देगा, वो मुझे मार डालूंगा, लेकिन तीसरा दिन जी उड़ेगा। तो इन्होंने पूछा, और उन लोग क्या किया? उन लोग सचमुच उसको पकड़कर सूली पर ठोक कर उनको मार डाला, उनको दफनाया। और क्या हुआ? और एकदम तीसरा दिन वो जी उठकर एक महत्वीकृत शरीर बनकर आ गया। सचमुच ऐसा हुआ क्या? ऐसा हुआ। ओ, तब ये हिंदू पुजारी बोलता है, ओ तब तो वो सचमुच ईश्वरी था। देखा, किसको अपने आप जी उठ सकता है? जो मरने के बाद अपने आप जीवन पर आ गया, पुराना शरीर के साथ नहीं। प्रभु यीशु ने कहा था, एक गेहूं का दाना मिट्टी पर डालेगा तो वो दाना पिघल जाता है, वो मर जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? एक गेहूं का एक पौधा आ जाता है, उसमें बहुत सारा गेहूं होता है। वैसा ही प्रभु यीशु उनका शरीर में हमारा पापमय अवस्था को लेकर मारा और दफनाया, तो हमारा पुराना जीवन उससे खत्म हो गया और हमको ने हमारे लिए एक नया जीवन देने के लिए उन्होंने जी उड़ा। ये विश्वास हमारा है, ये विश्वास हमारा है, लेकिन ये अपनाया कैसे? हम हमारा जीवन पर ये कैसे असर होता है? बाप्तिस्मा द्वारा। तो बाप्तिस्मा में हमारे सिर पर पानी डाला, नहीं तो हमें पानी पर डुबाया। देखा, तीन बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर तीन बार डुबाया। डुबाया मतलब उसका मरने में डुबाया, और उठा मतलब उसका पुनरुत्थान में उड़ा, यही मतलब है। लेकिन आजकल बच्चा लोगों को पानी में डुबाना से उनका तंदुरुस्त के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए पानी डालता है। तो पानी डालता है, वो पानी में पवित्र आत्मा का आशीष के लिए प्रार्थना करता है, हे बहु पवित्र आत्मा इस पानी पर उतर आइए। और उन्होंने हाथ में ईश्वरीय क्रिसम जो ऑयल लेते हुए पानी पर हाथ डालते हुए प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस पानी को, पानी में पवित्र आत्मा आइए, इसको इस नवजात शिशु को जन्म देने का गर्भ बनाइए। गर्भ कलेसिया का, ये पानी पवित्र आत्मा का द्वारा ये नया जीवन देने वाला बच्चों के लिए गर्भ बनता है, और वो पानी को तीन बार डालता है, पिता पुत्र पवित्र का नाम पर तुम्हें बाप्तिस्मा देता हूं। तब हमारा जीवन प्रभु का मरण में घुस जाता है और उनका पुनरुत्थान में मेल हो जाता है। तो ये लिखा है मत्ती रोमियो का नाम पत्र, रोमियो का नाम पत्र अध्याय 6। समय हो गया, समय तो बहुत सारा पहले हो गया, सॉरी अभी रुक जाता है, इट फिनिश, अभी खत्म हो गया, देन यू कैन स्टार्ट। देखो रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6, अध्याय 6, अध्याय 6 3 से लेके, क्या वो ये है? नो, सन मार्कुस है, गलती हो गया। रोमियो का नाम,
रोमियो के नाम पत्र अध्याय छे अध्याय छे छे ये तो छे तीन से क्या आप लोग ये नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बापतिस्मा हम सबों के सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बापतिस्मा है। ईसा मसीह जोरदान नदी पर बापतिस्मा हुआ, उसके अलावा ईसा मसीह क्रूस पर बापतिस्मा लिया, उनका मरण उनका खून का बापतिस्मा। हम उसके मृत्यु का बापतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उड़ाना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्होंने उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। देखिए सब लोग दोहराइए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। चरनी में तूने जन्म लिया, यीशु सूली पे किया विश्राम, हम सब के पापों को मिटाने यीशु ही आ कुर्बान, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम। आइए एक विश्वास कीजिए, ये बोलते हुए हे प्रभु, संसार का पाप हरने वाला ईश्वर का मेमना, तू संसार का मुक्ति दादा है, मैं और मेरा परिवार और संसार के सब लोग आपके द्वारा मुक्ति मिल चुका है, ये मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करने से मेरा पापमय अवस्था से मुझे मुक्ति दीजिए। जय यीशु, धन्यवाद। अभी क्या है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया